हम सभी के लिए अरुण जी एक मेंटर के रूप में थे, और मैं ऐसा मानता हूं कि 5 मिनट भी अरुण जी के साथ बैठना एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता था। अरुण जी को हम दिल्ली में मिले तो मुंबई में चलने वाली सारी घटनाएं उनको पता होती थी, उसमें से 2-3 चीजें पूछ लेते थे, उस पर अपनी राय भी व्यक्त करते थे। और जैसा मंगल जी ने कहा, जो राय वो व्यक्त करते थे एक दिशा दर्शक इस प्रकार की राय होती थी। अरुण जी ने अपने जीवन में एक मूल्य आधारित जीवन जिया, उनके जीवन में वैल्यूज को बहुत ज्यादा महत्व था। एक व्यक्तिगत शुचिता जो होती है उसका उन्होंने हमेशा पालन किया। अरुण जी को शायद खाना पसंद होगा या घड़ी, पेन, चश्मा, जो भी चीजें उनको पसंद होगी वो सारी चीजें उन्हें अपने व्यक्तिगत कमाई से खरीदी। लेकिन जहां तक सरकारी खर्चे का सवाल आता था तो अरुण जी हमेशा कंजर्वेटिव होते थे और वो कहते थे कि मैं मेरी कमाई से जो कर सकता हूं मैं सरकार का पैसा क्यों खर्चा करूं। और कभी भी उन्होंने इस प्रकार की भूमिका नहीं रखी और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा जो उच्चतम मूल्य है उन मूल्यों को उन्होंने प्राधान्य दिया। इसलिए अरुण जी का व्यक्तिमत्व एक पारदर्शी व्यक्तिमत्व था। किसी के भी साथ मिलते समय कोई बैगेज नहीं होता था। किसी भी स्तर के किसी भी व्यक्ति के साथ, देश के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े उद्योगपति और छोटे से छोटे व्यक्ति या छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ अरुण जी मिल सकते थे, बात कर सकते थे और सेम पेज पर आ सकते थे। जो बुद्धिमत्ता अरुण जी के पास थी, मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर ऐसे चंद लोगों को तैयार करते हैं, उन चुनिंदा लोगों में से एक अरुण जी थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका जो वर्णन प्रधानमंत्री जी ने किया, भारत देश के महान सपूत, इससे अच्छा वर्णन दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी देश के लिए काम करने वाले अरुण जी थे।